नमस्कार, सनी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आटे का स्पंजी उत्तम बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है और ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज है जो बारीक काट लिया है मैंने, और एक बड़ा चम्मच मैंने दही का लिया है और थोड़ा सा मैंने बारीक धनिया काट लिया है और एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर बारीक बारीक काट लिया है और आधा चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है और आधा चम्मच मैं नमक का डालूंगी इसमें और ये थोड़ा सा रिफाइंड है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी डालने के लिए, और आप हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं और अगर बच्चों ने नहीं खाना है तो, पर मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये पानी है हमारा जो हम अभी इसका डो तैयार करेंगे। चलिए अब हम डो तैयार करते हैं। ये मैं आटा डाल रही हूँ बाउल में अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। ये मीठा सोडा डाल रही हूँ आधा चम्मच। और आधा चम्मच ये नमक का डाल रही हूँ मैं। ये मैं अब ये जीरा डाल रही हूँ आधा चम्मच। चलिए अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और धीरे धीरे पानी डालकर हम इसका गाढ़ा सा घोल जो है तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, लिक्विड नहीं बनाना है इसको। आप इसको घोल जब तैयार हो जाएगा तो थोड़ी देर आप 2-3 मिनट के लिए रख भी सकते हैं और उसी टाइम आप बना भी सकते हैं। हल्का सा पानी में और डालूंगी, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये हमारा घोल तैयार हो गया है, ये देखिए। और इस तरीके का बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं गैस ऑन कर रही हूँ, गैस मैंने मीडियम रखा है। आप इसको फ्राई पैन के अंदर भी बना सकते हैं और तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, दोनों में ही बन जाएगा हमारा, बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो जब तक तवा गर्म होता है तब तक थोड़ी देर के लिए हम इसको डो को रेस्ट देते हैं। तवा तैयार हो गया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको फैलाना नहीं है हमने। मोटा ही रखना है। अब इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे। गैस मेरा मीडियम है। टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। हल्का सा नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं अगर बच्चों ने नहीं खाना,
ये मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारा तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा रिफाइंड डालेंगे। ये पलटने लायक हो गया है, पलटने के लिए तैयार है। अब इसको पलटेंगे हम धीरे से। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल देखिए ब्राउन हो गया, तैयार हो गया हमारा। अब हल्का सा हम दबा देंगे जो हमने सब्जियां डाली हुई हैं वो अंदर इसके मिक्स हो जाएं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारे मैंने ढक्कन लगाया है, इससे हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाता है। अब ये 2 सेकंड हो गए, मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। मैं दोबारा ये देखिए मैं दोबारा ढक्कन लगा रही हूँ 2 सेकंड के लिए। मैं ढक्कन उतार रही हूँ, 2 सेकंड हो गए हैं। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा डालेंगे। सेम वैसे प्रोसीजर करेंगे। प्याज डाल रही हूँ मैं। टमाटर डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ। काली मिर्च डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर। थोड़ा सा धनिया डालूंगी कटा हुआ। थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। ये मैं ढक्कन उतार रही हूँ। हमारे 2 सेकंड हो गए हैं। अब हल्का सा मैं रिफाइंड डालूंगी इसके ऊपर और इसको पलटेंगे। खसखस हमारा फूल चुका है। हल्का सा दबा देंगे इसको, दोबारा ढक देंगे। ये मैं ढक्कन उतार रही हूँ, लिड उतार रही हूँ। ये सॉरी मैं पहले कहना भूल गई थी, ये मैं 30 सेकंड के बाद ही ढक्कन उतारती हूँ। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये मेरा आटे का उत्तपम बन के तैयार हो गया है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ खुद भी बनाएं, औरों के साथ भी शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आगे भी जो मैं वीडियो डालूंगी उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।